भोजपुरी में कल साबित कर दिए खेसारी लाल यादव कि भोजपुरी में सिर्फ चलेंगे तो खेसारी लाल यादव, क्योंकि कल का भीड़ से भी ज़्यादा आज का भीड़, बाप रे बाप, इतना भीड़ क्रेज सिर्फ संघर्ष टू के लिए और खेसारी लाल यादव के लिए। बताइए, अब बात कर लेते हैं संघर्ष टू के फर्स्ट डे का कलेक्शन के बारे में, कितना कमाई किया है सिर्फ बिहार से। तो बिहार से सिर्फ कमाई किया एक दिन में 25 से 30 लाख रुपया। वही बात कर ले हर हर गंगे का, तो हर हर गंगे सुपर फ्लॉप हो गया है, सुपर फ्लॉप। तो पवन भैया फिर से टक्कर लीजिएगा खेसारी भैया से ना। अब हर हर गंगे का कमाई की बात कर लें तो हर हर गंगे 1.5 से 2 लाख कमाई किया है। संघर्ष टू को सिनेमा घर 28 से 30 बिहार में मिले हैं, वहीं पे हर हर गंगे को एक दो चार लगभग सिनेमा हॉल, मैंने वही गिनती नहीं है लेकिन गिने चुने सिनेमा हॉल मिले हैं संघर्ष टू के लिए। अब बताइए कि एक वीडियो हम देखे हैं, खुद दंग रह गए हैं। आरा के सपना सिनेमा के जो मैनेजर हैं वो हर हर गंगे को लगाए थे कल। लगाने के बाद शाम का उनका गुस्सा फूटता है पवन सिंह के ऊपर कि पवन सिंह को फिल्म छोड़ देना चाहिए और फिल्म से संन्यास ले लेना चाहिए, और कल शाम के ही वो सपना सिनेमा से अपने हॉल से फिल्म को उतार देते हैं। पवन सिंह के मूवी पे कोई दम नहीं है, पवन सिंह की कहानी खत्म है। क्यों दम? अब बताइए कि पवन सिंह के ऊपर, पवन सिंह के जिला के होके, पवन सिंह के गांव के लोग होके उस फिल्म को देखने नहीं जा रहे हैं संग हर हर गंगे को, तो अब बताइए कौन जा सकता है, कौन देखेगा उसको? बिल्कुल पसंद नहीं किया जा रहा है हर हर गंगे को। सिर्फ और सिर्फ 90 से 95% लोग संघर्ष टू को देखने जा रहे हैं। हॉल पे, हॉल के पास आप लोग भीड़ देखिएगा, आप जहाँ जहाँ आप लोगों के नज़दीकी सिनेमा हॉल में लगा है वहाँ जाके देखिएगा कि लोग वहाँ पहले से जाके इंतज़ार कर रहे हैं कि कब संघर्ष टू का पिछला शो ख़त्म होता है और दूसरा चालू होता है, हम जाएं और देखें। इतना लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है सिर्फ किस लिए? खेसारी लाल यादव के लिए और उनके संघर्ष टू के लिए। तो खेसारी लाल यादव मेहनती आदमी है और उनको मेहनत का ही फल मिलता है। बाकी पवन सिंह को खेसारी लाल यादव से सीखना चाहिए और इनको हमेशा सीखना चाहिए। सिर्फ भाई भाई बोलने से नहीं होता है, भाई जब बोलते हैं तो भाई से सीखिए, छोटा भाई से भी कुछ कुछ सीखना चाहिए, ठीक है? आप गाना के लिए जाने जाते हैं तो बस गाना ही गाइए और टक्कर मत लीजिए बार बार खेसारी भैया से, क्योंकि जब जब आप टक्कर लिए हैं तब तब आप फेल हुए हैं पवन भैया, ठीक है? तो आपसे भी ये उम्मीद नहीं था, हम नहीं चाहते थे कि हर हर गंगे भी फ्लॉप हो, लेकिन हम ये बता दिए थे बहुत पहले ही, इसलिए बता दिए थे कि जब डेट सेम आया था कि एक ही डेट को रिलीज़ किया जाएगा, तो अब भी हम बता वीडियो बना दिए थे कि हर हर गंगे सुपर फ्लॉप होगा, क्योंकि खेसारी भैया के आगे कोई नहीं टिकता है। फिल्म एक्टिंग भाई खेसारी लाल यादव के जैसा कोई एक्टिंग कर ही नहीं सकता है भोजपुरी में, ये तय है। खेसारी लाल ब्रांड है, कोई एक्टिंग नहीं कर सकता है खेसारी लाल यादव जैसा। तो इसलिए आपको इस डेट को रिलीज नहीं किए होते अगर, तो शायद कुछ ना कुछ फिल्म आपका चल जाता, कुछ कुछ कमाई कर जाता, लेकिन अभी सुपर फ्लॉप नहीं होता, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जितने भी खेसारी भैया के फैंस हैं मेरे चैनल को, अगर चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।